हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो जो है वो बेसिकली हम देखेंगे इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टाइल। सो मोदी जी की ये बेसिकली वीडियो है जिसपे उनकी जो मतलब मस्त वाली लाइफ है उसके बारे में हम जानने को मिलेगा हमें। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया है साइमा पेड़ ज़्यादा व्लॉग चैनल पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, पिन कर दूंगी, तो आप लाजमी जाकर देखिएगा। मैंने बहुत कुछ उसमें कवर करने की कोशिश की है एंड डेली लाइफ के ऊपर है, डेली रूटीन के ऊपर है, यकीन आपको अच्छा लगेगा। एंड वीडियो की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। कितनी खूबसूरत है ग्रीनरी, लव प्रोटोकॉल, ऐसा लग रहा है जैसे उनके अपने ही कोई प्रधानमंत्री का हो।
क्या बात है, स्टाइल देख मतलब वाह। ऐसे स्टाइल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, देखो कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनको खिला रहे हैं अपने हाथों से। अमेजिंग, ये हेल मार्श है। चैनल का नाम है। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें मोदी जी के बारे में और उनकी पर्सनैलिटी को दिखाया गया है कि कितनी अच्छी और ब्राइट पर्सनैलिटी है। और सीरियसली यार, मतलब मैंने पहली बार देखा उनको आर्मी का जो ड्रेस है उसमें, और कितना खूबसूरत लग रहा था उन पर। एंड उसके अलावा उन लोगों को वो अपने हाथों से खिला रहे थे, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो एक प्रधानमंत्री होकर लोग इमेजिन करते हैं कि प्रधानमंत्री से हम बात कर सकें, उनकी एक झलक देख सकें। ये तो मतलब कितने लकी हैं कि इन लोगों ने उनके हाथ से खाया, और ये अपने बच्चों को भी बताएंगे। एनीवेज, ओवरऑल वीडियो बड़ी मज़े की लगी क्योंकि इसमें मोदी जी की पर्सनैलिटी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला, जिसमें मोदी जी के जो हैं वो उन्होंने मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्री में किसी जगह पर जो है वो कंट्री का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया और उनको जितनी अच्छे से प्रोटोकॉल मिली, जैसे कि उनको लेकर गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मोदी जी का मैं उसी कंट्री के वो प्रधानमंत्री हूँ, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिल रही थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो कितने अच्छे से इनको रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है वो प्रॉपर तरीके से इनको वेलकम किया गया, और फिर उसको उनको अपनी जगह पर लेकर आए। एंड उसके बाद फिर मोदी जी की मैंने एक और चीज़ नोट की है कि जब वो बात कर रहे होते हैं या तो फिर वो इस तरह से फिंगर यूज़ करते हैं या फिर हाथ इस तरह से करके बात करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड वैसे तो मैंने नॉर्मली मोदी जी को जो देखा है वो कुर्ते में देखा है, कुर्ता देखा है और गले में वो मफरल वगैरह कुछ होता है, लेकिन अब जो है मैंने इस वीडियो में उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखे हैं। और टू बी ऑनेस्टली, कुर्ते में तो अच्छे लगते ही लगते हैं, लेकिन डिफरेंट ड्रेसेस में भी मतलब बिल्कुल ही अलग लगते हैं, पहचान में नहीं आती कि मतलब कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो भारत में कुर्ता पहनते हैं। मतलब कि उन्होंने फौज के आर्मी के कपड़े भी पहने हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ें। ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी मुझे, मज़ा आया, काफ़ी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगी, काफ़ी खूबसूरत लगे, काफ़ी वो है कि लोगों से ना दिल से अटैच है वो, कभी ये नहीं है कि दिखावे के लिए हो और जस्ट फिर या वोटिंग वगैरह के लिए हो, हर चीज़ को जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी ओवरऑल यही कहूँगी कि हर कंट्री के प्रधानमंत्री जो हैं उनको इस तरह से ही होना चाहिए मोदी जी की तरह, ताकि वो अपने लोगों में घुल मिल सकें, अटैच हो सकें। क्योंकि मैंने मोदी जी को देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अटैच हुए हैं मोदी जी से, दिल से अटैच्ड हैं, तभी मोदी जी जो हैं वो आज इतने कामयाब हैं और सक्सेसफुल हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही है? आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी यह है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आपने मेरा व्लॉग ज़रूर देखना है साइमा पीरज़ादा व्लॉग पर, कमेंट में पिन भी कर रही हूँ लिंक, और डायरेक्ट जाके आप वॉच कर सकते हैं। बहुत ही मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा बनाया है, सो प्लीज़ आप ज़रूर देखें और मुझे उसमें जो है वो बहुत सारा प्यार दें,
और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। जैसे इन वीडियोस पे कमेंट आते हैं वैसे ही उस वीडियो पे भी कमेंट आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नवाज़ रखा, ख्याल रखिएगा।